पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट या इंटरनिस्ट वो स्पेशलिटी है जो बच्चों और एडल्ट्स में उन हार्ट की डिजीज़ के बारे में जानते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं जो जन्म से होती हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम है हार्ट की जो कि बर्थ से होती है। इसमें या तो हार्ट के अंदर वाल्व्स की प्रॉब्लम हो सकती है या हार्ट के अंदर कुछ होल्स होते हैं जैसे कि VSD और ASD या PDA जो जन्म से ही होते हैं। अगर आप जनरल पॉपुलेशन में देखें तो हर 1,000 लाइव बच्चे जो डिलीवर होते हैं उनमें से कम 8 से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें किसी न किसी प्रकार की हार्ट बीमारी कंजेनाइटली होती है, जन्म से होती है। तो इसका इंसिडेंस ओवरऑल 0.08% के आसपास माना जाता है। अगर हम 100 बच्चे ले लें जिन्हों को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ या हार्ट की प्रॉब्लम है जो जन्म से है, उनमें से लगभग 15% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें हमें कॉज पता चलता है। 85% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कोई कॉज नहीं होता। जो 15% हम बात कर रहे हैं उनमें से अलग अलग कॉज हो सकते हैं, जैसे कि उनमें जेनेटिक रिस्क फैक्टर हो, पहले किसी उनके भाई या बहन को रह चुका हो, या उनके फादर या मदर में ऐसी प्रॉब्लम हो, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर ने अल्कोहल या स्मोकिंग या कोई ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको हम टेरेटोजेनिक ड्रग्स बोलते हैं जो कि बच्चे में एम्ब्रियोपैथी कर सकते हैं, डेवलपमेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट और इन फीटल लाइफ उसको ऑल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक्सरे एक्सपोजर या रेडिएशन मदर का प्रेगनेंसी के दौरान हो, ये भी कॉज हो सकता है। अगर आप देखें तो ये बच्चे जो सिम्टोमेटिक प्रेजेंट करते हैं तो दो तरीके से प्रेजेंट करते हैं, या तो इनमें नीलापन होता है या तो ये कार्डियक फेलियर के सिम्टम्स के साथ आते हैं। कार्डियक फेलियर के सिम्टम्स जो होते हैं यूजुअली छोटे बच्चों में दूध नहीं पीना या तो रुक रुक के पीना, बार बार छाती का इन्फेक्शन होना, सांस तेज चलना या छाती में सांस लेते लेते गड्ढे पड़ना, ये होता है। अदरवाइज अगर नीलापन होता है उसका मेजर कारण मोस्ट ऑफ द टाइम्स हार्ट डिजीज़ हो सकता है या रेस्पिरेटरी इशू भी हो सकता है। देखिए, इसके ट्रीटमेंट जो है अलग अलग प्रकार से हो सकता है, कुछ क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की डिजीज़ होती हैं, अलग अलग टाइप की डिजीज़ हो सकती है। तो इनमें ट्रीटमेंट जो है कभी इंटरवेंशन से हो सकता है और कभी कार्डियक सर्जरी से हो सकता है। इंटरवेंशन का मतलब कि आप बिना ऑपरेशन करके जांघ की नस से कोई बलून लेकर, अगर उसको वाल्व की ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको खोल सकते हैं या नस की ऑब्स्ट्रक्शन है उसको खोल सकते हैं, या अगर कुछ सुराख हैं जैसे ASD VSD और PDA हम बात कर रहे थे, उनको जांघ की नस से ही एक बटन या छतरी जैसी जिसे हम डिवाइस बोलते हैं उसको वहाँ पर पहुँचा कर उसको बिठा सकते हैं ताकि वो सुराख बंद हो। ये प्रोसीजर जो है कुन बच्चों में सक्सेसफुल होता है, लेकिन जिनमें इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है उसमें सर्जरी एक ऑप्शन होता है और सर्जरी से मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे क्योर हो जाते हैं। ऑब्वियसली हार्ट की सर्जरी है तो थोड़ा रिस्क फैक्टर तो रहता है, बट ओवरऑल अगर आप डिजीज़ पर से का रिस्क फैक्टर देख लें तो उसके कंपैरिजन में प्रोसीजर का रिस्क फैक्टर काफ़ी कम होता है। जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसमें दो ऑप्शंस होते हैं डिपेंडिंग, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कौन किस तरह की बीमारी उसको हार्ट की है। एक को हम बोलते हैं क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, एक को हम बोलते हैं पेलिएटिव ट्रीटमेंट। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आपने एक बार ये सर्जरी कर दी तो वो बच्चा लाइफ लॉन्ग ठीक रहते हैं। उनमें जैसे हमने बताया VSD ASD क्वाक बाकी सब चीज़ें, ऐसी तरह की बीमारियां हैं जिनमें आपने एक बार ही ऑपरेशन किया तो बच्चा एक नॉर्मल स्वस्थ ज़िंदगी जी सकता है। दूसरे कुछ बीमारियाँ हार्ट की कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती हैं जिनमें हमें पेलिएटिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मतलब पेलिएटिव का ये कि आप उनको हार्ट के अंदर शायद हार्ट को नॉर्मल नहीं बना सकते, लेकिन ट्रीटमेंट से उनके सिम्टम्स को काफ़ी हद तक रिलीव कर सकते हैं, उनको एक नॉर्मल एक्टिविटी लेवल्स तक ला सकते हैं। जैसे नीलापन होता है तो नीलापन को आप कम कर सकते हैं, या सांस की दिक्कतें होती हैं उनको किस सर्जरी करके उनमें काफ़ी हद तक आराम पहुंचा सकते हैं। तो ये दो अलग तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पोस्ट सर्जरी केयर तो दो लेवल का होता है, एक तो इमीडिएट पोस्ट सर्जरी केयर और फिर लॉन्ग टर्म पोस्ट सर्जरी केयर। इमीडिएट सर्जरी केयर तो ऑब्वियसली ICU लेवल पे होता है जो 2-4 दिन चलता है जब तक कि हम वेंटिलेटर और बाकी चीज़ों से उसको छुटकारा करके बच्चे को डिस्चार्ज करते हैं। एक बार ही बच्चा डिस्चार्ज होता है तो उनको थोड़ा फॉलोअप में रखना पड़ता है इनिशियल स्टेजेस में, जब तक कि हम वो जो चेंजेस हैं हार्ट का नई सिचुएशन के साथ अडेप्ट करना उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। जब भी कोई बच्चा, स्पेशली छोटे बच्चे, एक नॉर्मल
छोटे बच्चों से डिविएट करते हैं अपने सिम्टोमेटोलॉजी में, मतलब खेलने कूदने पे जल्दी थक जाना, या बार बार छाती या इन्फेक्शन हो जाना, या अगर उनका नीलापन कहीं भी दिखता है, तो ये सब कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिनमें पेरेंट्स को एक अवेयरनेस लेवल रहनी जा सकती है कि शायद ये हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे हार्ट डिजीज़ ऐसे हैं जिनका अगर सही समय पे इलाज नहीं होता है तो आगे जाके वो एक गंभीर रूप ले सकते हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट अवेलेबल भी नहीं रहता। तो इसलिए सही समय पे और सही ट्रीटमेंट से इस बीमारी को काफ़ी हद तक क्योर और एक नॉर्मल ज़िंदगी प्रोवाइड की जा सकती है।